Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and in this video we are going to discuss about the clean price and the dirty price. Bonds, generally bonds ki jo value nikali jati hai, wo bonds mein investment karne ke baad, jo humko future mein interest milne wala hai, aur aakhri mein maturity pe jo redemption value humko milegi, ye sare interest plus us redemption value, inki present value hoti hai bond ki. मार्केट प्राइस, ठीक है, थ्योरेटिकली. सो लिख लेता हूं पहले मैं यहां पे. सो नाउ क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस हम देखेंगे. उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके चीजें बताता हूं. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 10,000 रुपीज, ठीक है. और उसका कूपन रेट ले लो जिससे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 3.6%. पेमेंट जो होगा वो मान के चलो सेमी एनुअल पेमेंट है, ठीक है. मैच्योरिटी फाइव इयर्स, ठीक है. और यील्ड भूल गए थे हम, यील्ड टू मैच्योरिटी, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल 5% पर एनम. ये सब पर एनम होता है, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो. अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं बॉन्ड की वैल्यू, ठीक है. मार्केट प्राइस, इट इज नथिंग बट जो आने वाले 5 साल में 10 बार, सेमी एनुअल है, 5 साल में 10 बार जो कूपन पेमेंट्स मिलने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आई फॉर इंटरेस्ट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर. और सेमी एनुअल है तो मैं 2.5% का रेट लेता हूँ 10 पीरियड्स के लिए, ठीक है. 2.5% इसका आधा सेमी एनुअल में, बट 5वें साल के एंड में जो 10,000 वापस मिलेंगे उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि रिडम्पशन वैल्यू इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2.5 से 10. यानी कि सिंपल सा बात है, एक बार बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज मिलने वाले हैं उन सब की प्रेजेंट वैल्यू इज द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड वैल्यू. अब पहले हम ये चीज निकाल लेते हैं. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आएगी, 3.6% पर एनम मिलती है, 10,000 इंटू 3.6% का आधा, दैट इज 180, और 2.5% से एनुटी फैक्टर, वो हो गया 8.752 प्लस रिडम्पशन 5वें साल के एंड में 10,000 होगा इनटू 0.781 आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सॉरी 781 था, अब ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं 180 इंटू 8.752 और 10,000 इंटू 0.781, तो ये कुछ आता है 9,385.36, ठीक है. ये हो गई बॉन्ड की वैल्यू. अब ये तो बेसिक आपको चीज समझ में आ गई. अब ध्यान देना क्या होता है और मीनिंग क्या है मेरा बोलने का, पूरा ग्राफ निकाल लेंगे. क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस की डेफिनेशन बताता हूं मैं. ये प्राइस क्लीन प्राइस है या ये प्राइस डर्टी प्राइस है, ये क्या है, ये
मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो डर्टी प्राइस होता है, इट इज नथिंग बट क्लीन प्राइस प्लस accrued interest. ठीक है, पहले तो ये जानदान दो, डर्टी प्राइस, क्लीन प्राइस बोले तो उसमें इंटरेस्ट एक्रू जो भी हुआ है वो इंक्लूडेड नहीं है, और डर्टी प्राइस मतलब उसमें एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान के चलो ये टाइमलाइन है अपनी, ठीक है, यहाँ से हम शुरू हुए और ये एक साल है, ये 6 महीने हो गए, ठीक है, ये हो गए आपके 3 महीने, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है. अब मान लो आप खड़े हो यहाँ पे सेकंड मंथ में, अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो आपको यहाँ से यहाँ एकदम यहाँ पे कितना पेमेंट मिलेगा, 180 रुपये कूपन पेमेंट, 6 महीने बाद कूपन कूपन मिलना है आपको, दैट इज़ 180 रुपीज़. अब अगर 6 महीने का 180 रुपीज़ है तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो 180 डिवाइडेड बाय 6 × 2, 2 महीने का 60 रुपये बनता है. ये होता है एक्रूड इंटरेस्ट. अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्रूड इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ड्यू? एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि आपने इतना कमा लिया है लेकिन अभी देना नहीं बनता, देना कब है, 6 महीने बाद में है. आपने इतना कमा लिया है, 2 महीने जितना 60 रुपये आपने कमा लिया है, एक्रू हो चुका है, अब आपकी इनकम वो कंफर्म हो चुकी है, लेकिन अभी देना नहीं बनता. 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे तो 180 आपने कमा लिया है और 180 उसी टाइम पे देना बनता है. आई बात आपके समझ में? दिस इज एक्रूड इंटरेस्ट, दिस इज इंटरेस्ट ड्यू. ड्यू हो गया वहां पे, अब आपको देना बनता है. अब लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट पे जब पुराना इंटरेस्ट पे हो चुका है, ठीक है, ये पॉइंट पे जब शुरू कर रहे हैं तब एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? यार आज ही मैंने बॉन्ड खरीदा और आज ही एक्रूड इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, कुछ होगा एक्रूड इंटरेस्ट? नहीं, जीरो, क्योंकि अभी तक मैंने बॉन्ड को होल्ड करके रखा ही नहीं है. अभी एक दिन जाएगा तो इंटरेस्ट एक्रू होएगा, एक महीना होगा तो इंटरेस्ट 30 रुपये का एक्रू होगा, 2 महीने तो 60 रुपये, 3 महीने तो 90 रुपये, एक्रू होता जाएगा. फॉर द पर्पज कि इंटरेस्ट एक्रू हो, उसके लिए आपको बॉन्ड होल्ड करके रखना पड़ेगा. अभी तो आज आपने खरीदा है, सो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्रूड इंटरेस्ट कितना होता है? जीरो. सो कोई भी स्टार्ट डेट जो होती है उस डेट पे डर्टी प्राइस विल बी इक्वल टू क्लीन प्राइस. सो 9385.36 इस डेट पे मान के चलो, ठीक है, बिगिनिंग पे मैं ग्राफ ले लेता हूं. अब यहां पे यहां हम टाइम कंसिडर करेंगे, यहां हम प्राइस कंसिडर करेंगे, शुरुआत होगी 9385.36 की प्राइस से, या फिर आप लेके चलो ये रहा 9385.36, ठीक है. कितना टाइम लूँ मैं, दो दो महीने के पीरियड लेता हूँ यहाँ पे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ठीक है, 2 months, 4 months, 6 months, 8 months, 10 months और 12 months, ये पूरा एक साल कवर अप हो गया, ठीक है. जब जीरो पॉइंट पे हो तो आपकी प्राइस ये रहेगी 9385.36, शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट एक्रू होता जाएगा, ठीक है. और ये प्राइस कौन सी है? ये डर्टी प्राइस है. धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो प्राइस इंटरेस्ट एक्रू होता जाएगा, तो ये वाली फिगर बढ़ती जाएगी, तो डर्टी प्राइस बढ़ती जाएगी. सो व्हाट विल हैपन आई एम टेलिंग यू, ठीक है.
जैसे ही लाइन नाइन फोर वन फाइव पॉइंट थर्टी सिक्स, नाइन फोर वन फाइव पॉइंट थर्टी सिक्स, नाइन सॉरी नाइन फोर फोर फाइव पॉइंट थर्टी सिक्स, नाइन फोर सेवन फाइव पॉइंट थर्टी सिक्स, नाइन फाइव ज़ीरो फाइव पॉइंट थर्टी सिक्स, नाइन फाइव थ्री फाइव पॉइंट थर्टी सिक्स, नाइन फाइव सिक्स फाइव पॉइंट थर्टी सिक्स। मैंने क्या किया है, ये प्राइस इंक्रीज हो रही है बाय थर्टी, थर्टी के रेट से, ठीक है, क्योंकि हर महीने जो इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है वो है थर्टी रुपीज़ का, यानी एक दिन का एक रुपये का इंटरेस्ट एक्री हो रहा है, और 360 दिन का 360 रुपये। इसलिए मैंने जानबूझ के 3.6% रेट लिया ताकि समझाने में आसानी हो। अब क्या होगा पता है, जैसे ही 2 महीने कंप्लीट होंगे तो आपके बॉन्ड की प्राइस यहाँ पे पहुँच जाएगी, डर्टी प्राइस। जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होंगे आपके बॉन्ड की प्राइस यहाँ पे आ जाएगी, और जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होंगे आपकी बॉन्ड की प्राइस, अब 6 महीने कंप्लीट होने वाली बात जब अगर बोलता हूँ तो 6 महीने के एक दिन पहले, 6 महीने के जस्ट वो जो इंटरेस्ट का पेमेंट होना है उस दिन को ये बॉन्ड की प्राइस सीधा यहाँ पहुँच के यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड की प्राइस थी, ठीक है, और ये सीधा नीचे गिरी। क्योंकि क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे 2 महीने कंप्लीट होंगे तो क्लीन, अभी क्लीन प्राइस 9385.36 है, ठीक है, ज़ीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो ये भी कितना हुआ, 9385.36 ज़ीरो टाइम पे। अब मैं 3 महीने बाद की बात करता हूँ, तो 9385.36 में, 3 महीना नहीं सॉरी 2 महीने बाद की बात करता हूँ, 2 महीने बाद 60 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। अरे रे गलत कर दिया, ध्यान दो। अब क्या होगा, जैसी 2 महीने कंप्लीट होंगे तो 60 रुपये का इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, तो 60 रुपये सीधा इसमें ऐड हो जाएंगे और आपकी वैल्यू पहुंच जाएगी यहाँ पे। फिर अगले 2 महीने में इंटरेस्ट और एक्रू होके यहाँ पे वैल्यू पहुंच जाएगी, फिर अगले और 2 महीने में 60 रुपये एक्रू होगा और प्राइस यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो आपका जो ग्राफ बन रहा है डर्टी प्राइस का वो ऐसा है, डर्टी प्राइस बढ़ती जा रही है, 60 रुपये से बढ़ती जा रही है, 60 रुपये से बढ़ती जा रही है और 60 रुपये से बढ़ती जा रही है। अब क्या होगा, ये तो एक्रू होता गया इसलिए उसमें ऐड होता गया, है ना, ये रहा 9445.36, 4 महीने बाद में 9385.36 में 120 रुपये ऐड होगा, उसके बाद 9385.36 में 180 रुपये ऐड होगा, ठीक है। तो ये हो गया 9495.36 और 9565.36। अब क्या होगा, अब पेमेंट हो जाएगा 60 रुपये का, सॉरी 180 रुपये का पेमेंट हो जाएगा, तो अगले ही दिन 180 रुपये से प्राइस गिर जाएगी उसी दिन। तो फटाक से वैल्यू वापस यहाँ पे आ गई आपकी 9385.36। अब क्या होगा, फिर 2 महीने बाद प्राइस यहाँ पहुँच जाएगी, फिर 2 महीने बाद प्राइस यहाँ पहुँच जाएगी, फिर 2 महीने बाद प्राइस यहाँ पहुँच जाएगी, ये आपका ग्राफ बनेगा और फिर प्राइस गिर जाएगी। ये ग्राफ देख रहे हो आप डर्टी प्राइस का। तो सर एक चीज़ बताओ, क्या क्लीन प्राइस सेम रहेगी? नहीं, अजम्पशन क्या लिया है हमने यहाँ पे कि क्लीन प्राइस कॉन्स्टेंट रखी है हमने, ठीक है, नोट देता हूँ मैं यहाँ पे, क्लीन प्राइस has been kept constant, आपको एक फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस क्या होती है। डर्टी प्राइस यानी कि एक्रूड इंटरेस्ट, उसमें अगर जितना टाइम जाता जाता है उतना एक्रू होता जाता है, और पेमेंट के दिन, कूपन के पेमेंट के दिन उतनी अमाउंट माइनस हो जाती है और वापस नीचे आ जाता है, तो उस दिन डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस सेम होती है। जिस दिन इंटरेस्ट का पेमेंट हो गया उस दिन डर्टी प्राइस गिर के क्लीन प्राइस के बराबर आ जाती है,
ठीक है, एक चीज आपको ये समझ में आ गई, अब दूसरी चीज मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ, ये एग्जैक्टली ऐसा चेंज नहीं होगा मार्केट में बॉन्ड का, क्योंकि मैंने यहाँ पे पता है डर्टी प्राइस बदला है क्लीन प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए, बट इट इज नॉट नेसेसरी। एक्चुअल में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बॉन्ड भी मार्केट में ट्रेड हो रहा है ना, बॉन्ड की भी तो प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे होनी चाहिए। यहां तो मैंने क्लीन प्राइस पूरी कांस्टेंट रखी है, ये गलत चीज है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में कैसा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेके मैं आपको समझाता हूँ, ये 9385.36 प्लस 0 तो ठीक है, ये तो 9385.36 ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये हो सकता है 9400 हो जाए प्लस 60, 9460, ये हो जाए 9350 प्लस 120, तो ये हो गया आपका 70, 9470, ये हो जाए 9500 प्लस 180, तो 9680। एक्चुअल मार्केट में ये होगा, क्लीन प्राइस भी तो बदलेगी। अब ये सर क्लीन प्राइस आपने क्या हिसाब से बदला है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है, ये कोई नहीं जानता, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। आई बात आपके समझ में, 9600 ये एक्चुअल में रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज डर्टी प्राइस, दिस इज क्लीन प्राइस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्लीन प्राइस निकालो या डर्टी प्राइस निकालो, तो आपको निकालते आना चाहिए कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 4 महीने में आप खड़े हो, 4 महीने में जो भी आप खड़े हो, जो भी मार्केट में प्राइस होगी, उसमें से आप एक्यूरेट इंटरेस्ट माइनस कर दो, यू विल गेट दी क्लीन प्राइस, अदरवाइज ऐड कर दो तो यू विल गेट द डर्टी प्राइस। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आ सकता है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा कि सर 2 महीने बाद की प्राइस निकालनी है, तो बताओ 2 महीने बाद की प्राइस क्या होगी, डर्टी प्राइस बताओ। अब लॉजिकली देखो तो आप क्या कर सकते हो पता है, यहां पे 6 महीने बाद खड़े होके आप मार्केट में प्राइस निकाल सकते हो क्लीन प्राइस, और ये कहां से आएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। अब आपने यहां पे तो प्राइस निकाल ली, लेकिन आपको यहां की प्राइस चाहिए क्या 6 महीने बाद की, नहीं, आपको इसको 4 महीने से और पीछे लेके जाना है। तो जैसे ही पीछे जाओगे पहली चीज क्या होगी, उसमें 180 रुपए ऐड हो जाएंगे वापस, क्योंकि ये जो मार्केट प्राइस यहां पे दिख रही है ये 180 माइनस होने के बाद की फिगर है, आगे की फिगर है, पीछे जाओगे तो 180 ड्यू हो चुका है, एक दिन पीछे गया तो 180 ऐड करना पड़ेगा आपको, डर्टी प्राइस निकाल, डर्टी प्राइस रहेगी वो, ठीक है वो टाइम पे। पहले तो क्लीन प्राइस में जैसे ही एक्यूरेट इंटरेस्ट ऐड करोगे डर्टी प्राइस हो जाएगी। अब डर्टी प्राइस हो गई, अब उसको 4 महीने से पीछे लेके जाओ डिस्काउंटिंग करके वो 2.5% वाले रेट से, यू विल गेट द डर्टी प्राइस 2 मंथ्स के एंड की। एक तो तरीका ये हो गया कि आप 6 महीने पे खड़े होकर पहले आगे के कैश फ्लोज निकाल की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो और फिर पीछे जाओ, या तो आप यहां पे निकाल लो प्रेजेंट वैल्यू और इसमें 2 महीने का डर्टी प्राइस ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर, बट आपको फ्यूचर कैश फ्लोज भी, फ्यूचर वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट द डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेसिकली मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया, इतनी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखो, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू। डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस एक्यूरेट इंटरेस्ट, क्लीन का मतलब ही यही होगा कि उसमें कोई भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, डर्टी का मतलब यही होगा कि उसके अंदर में अनाप शनाप 2 महीने का कुछ तो एक्रूड हुआ वाला इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, दैट्स इट। इस पे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे, सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट नोट इट डाउन एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द क्वेश्चन ऑन द डर्टी प्राइस एंड क्लीन प्राइस। बाय बाय।